नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं धारा। कोरोना, चक्रवात और अब भूकंप, लगता है प्रकृति इंसान से बहुत बुरी तरीके से रुखी है। कोरोना का प्रकोप तो कम हो ही नहीं रहा है, ऐसे में चक्रवात का भी संकट मंडरा रहा था, जिसके बाद अब लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 रही थी। कल यानी शुक्रवार को भी यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। शनिवार को सुबह करीब 8:27 पर लद्दाख में भूकंप आया था। हालांकि कहीं कोई नुकसान की भी सूचना नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई है। इससे पहले शुक्रवार को भी लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 रही थी। भूकंप शुक्रवार सुबह 11:02 पर आया था। इससे पहले गुरुवार को जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में करीब 2:34 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.2 रही थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 6 महीनों में हर महीने भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इससे पहले गत 19 मई को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में 3.2 रिक्टर सेक्टर में गति से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले गत वर्ष दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। फिलहाल समाचारों में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहे ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।